आज दिनांक 14 अक्टूबर 2022 को कलेक्टर कार्यालय के सभागार में जिले में संचालित मिशन महिमा कार्यक्रम की कार्य योजना और रणनीति प्रस्तुत की गई। जिले में मिशन महिमा की शुरुआत 28 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर की गई थी। इसका उद्देश्य झाबुआ जिले को महामारी अनुकूल बनाना है। इस संबंध में आज कलेक्टर रजनी सिंह ने मिशन महिमा टीम के कार्यों की समीक्षा कर मार्गदर्शन प्रदान किया, जिसमें समस्त विभागों को विशेष रूप से आदिवासी कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग को सुझाव दिया है कि छात्रावासों में शौचालयों की वर्तमान स्थिति को मूल्यांकन करने हेतु निर्देशित किया गया। इस कार्यक्रम को आजीविका मिशन जिला पंचायत झाबुआ के सहयोग तथा एवं हनहिबिटेट संस्था द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। कचरा गाड़ी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कचरा गाड़ी शुरू किया जा रहा है। पीछे जो है ये डब्बा हो 250 रुपए की आती है और उसके बाद इंसिनरेटर जो है का प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन और पत्र वित्त आयोग में है। उसमें हमने ग्राम कार्य योजना के अंतर्गत उसमें सम्मिलित किया हुआ है, जिसके अंतर्गत आपको और जो इंसिनरेटर है वो लगाया जाएगा और उसमें हर घर से जो मेंस्ट्रुअल वेस्ट प्रोडक्ट आएगा उसको वहां पे बर्न किया जाना चाहिए। इंसिनरेट, माफ कीजिएगा, बर्न जो है वो गलत शब्द है, इंसिनरेट किया जाना चाहिए। इंसिनरेट और बर्न में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि हम इंसिनरेशन में तुरंत 800 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते हैं, बर्निंग का मतलब है हम धीरे 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 टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, तकरीबन अराउंड 612 अभी तक, क्योंकि जो जमीन हमारा जो प्राथमिक फोकस रहा है वो सिस्टम बिल्डिंग के ऊपर अभी तक रहा है, मास्टर ट्रेनर बनाने पे रहा है। तो अब जो है हम धीरे धीरे कम्युनिटी लेवल पे इंटरवेंशन को शुरू कर रहे हैं, जिसमें इसमें अराउंड 650 किशोरियों को हम लोग जोड़ पाए हैं इसमें। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जब मैं आपको जनसंख्या के बारे में बता रहा था, मेरा तात्पर्य ये था कि जो 42% युवक युवतियाँ हैं उसमें से जो झाबुआ की सेक्स रेशियो है वो 987 है। मतलब तकरीबन 1000 जो पुरुषों में 987 महिलाएं हैं, तो तकरीबन आधा आधा है। 42% में तो वही ट्रेंड अगर चल रहा है तो जो आपके 42% है उसमें 20% आपके युवतियाँ हैं और जो बाकी के जो 48-50% हैं वो एडल्ट हैं। तो इस एडोलेसेंट गर्ल्स के साथ हमें जो एडल्ट हैं उनको भी साथ में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि तो उनका नंबर भी एक बड़ा नंबर। बताओ क्या हुआ उसमें? भेजने का बोला दस का बोला हमने, दस का दे दो उतना तो काम हो जाएगा ना। आयुष्मान कार्ड में अभी आप लोग हम लोग सीएचओ की एक बैठक प्लान कर रहे हैं, अभी करेंगे इस हफ्ते अगले हफ्ते जैसे भी कर रहे हैं, तब तक आप प्रयास करना पड़ेगा जो भी जो बताने हैं। अदरवाइज जीआरएस और अन्य लोग भी जो भी है जीआरएस को भी बनाना है, वो भी अपना कुछ काम, अभी हमारा बिल्कुल बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है काम। तो ये चाहिए कुछ ना कुछ तो काम करते रहना चाहिए। तो अभी आपके सीएचओ अगर नहीं बना रहे हैं तो हम लोग इशू देख रहे हैं, शॉर्ट आउट कर रहे हैं, यहाँ से कार्रवाई भी करेंगे और फिर इनकी मीटिंग बुलाएंगे एक बार फिर से क्या इशू है। लेकिन तब तक आप जीआरएस से या आपकी पटवारी है वो कुछ काम कर सकते हैं या अन्य लोग मोबिलाइजर जो भी है, ये काम बंद नहीं होना चाहिए, याद ध्यान रखें। सर्वे की क्या स्थिति है, आ गया रिपोर्ट सर्वे वाली, आप लोग को मंगाना है ना। एसडीएम हाँ व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेजिएगा, जो आपका एसडीएम वाला ग्रुप है उसी भेजिएगा। पेटलावर कचरा गाड़ी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कचरा गाड़ी शुरू किया जा रहा है। पीछे जो है ये डब्बा हो 250 रुपए की आती है और उसके बाद इंसिनरेटर जो है का प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन और पत्र वित्त आयोग में है। उसमें हमने ग्राम कार्य योजना के अंतर्गत उसमें सम्मिलित किया हुआ है, जिसके अंतर्गत आपको और जो इंसिनरेटर है वो लगाया जाएगा और उसमें हर घर से जो मेंस्ट्रुअल वेस्ट प्रोडक्ट आएगा उसको वहां पे बर्न किया जाना चाहिए। इंसिनरेट, माफ कीजिएगा, बर्न जो है वो गलत शब्द है, इंसिनरेट किया जाना चाहिए। इंसिनरेट और बर्न में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि हम इंसिनरेशन में तुरंत 800 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते हैं, बर्निंग का मतलब है हम धीरे 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 टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, तकरीबन अराउंड 612 अभी तक, क्योंकि जो जमीन हमारा जो प्राथमिक फोकस रहा है वो सिस्टम बिल्डिंग के ऊपर अभी तक रहा है, मास्टर ट्रेनर बनाने पे रहा है। तो अब जो है हम धीरे धीरे कम्युनिटी लेवल पे इंटरवेंशन को शुरू कर रहे हैं, जिसमें अराउंड
650 किशोरियों को हम लोग जोड़ पाए हैं इसमें। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जब मैं आपको जनसंख्या के बारे में बता रहा था, मेरा तात्पर्य ये था कि जो 42% युवक युवतियां हैं उसमें से जो झाबुआ की सेक्स रेशियो है वो 987 है, मतलब तकरीबन 1000 जो पुरुषों में 987 महिलाएं हैं, तो तकरीबन आधा आधा है। 42% में तो वही ट्रेंड अगर चल रहा है तो जो आपके 42% है उसमें 20% आपके युवतियाँ हैं और जो बाकी के जो 48-50% हैं वो एडल्ट हैं। तो इस एडोलेसेंट गर्ल्स के साथ हमें जो एडल्ट हैं उनको भी साथ में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका नंबर भी एक बड़ा नंबर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।